हेलो गाइस, मैं हूं रत्नेश। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे द फन दे हैड के फुल समरी। तो वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। जिसके राइटर का नाम है आइसैक एसिमोव। बेसिकली एक फिक्शनल स्टोरी है जो फ्यूचर के एजुकेशन सिस्टम को रिफ्लेक्ट करता है, बट किसी को नहीं पता कि ये चैप्टर इतना जल्दी राइटर के प्रेडिक्शन को सच कर देगा। इस स्टोरी के सबसे पहले कैरेक्टर है मार्गी, जो कि एक 11 ईयर्स की ओल्ड गर्ल है। वो 17 मई 2157 को रात में अपनी डायरी लिखती है, आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। मार्गी को अजीब लग रहा था क्योंकि उस वक्त कोई पेपर बुक्स नहीं हुआ करती थी, सब चीज़ वर्चुअल और ई बुक के फॉर्म में थी। मार्गी उस बुक को देख के शॉक थी। अब उसे अपने ग्रैंडफादर की याद आ गई कि उसके ग्रैंडफादर ने ये बताया था कि उन्होंने उनके टाइम में सारी प्रिंटेड बुक्स ही पढ़ी थी, तो ऐसे बुक्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हिस्टोरिकल है, ऐसी चीज़ जिसको वो इमेजिन नहीं कर सकते और जिस पर वो ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब मार्गी और टॉमी उस बुक को देखते हैं, उस बुक के सारे पेज येलो कलर के हो चुके थे। उनको ये देखकर काफ़ी अजीब लग रहा था कि उस बुक में जितने भी वर्ड्स या सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो एक जगह स्टिल हैं। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि वो कंप्यूटर्स में पढ़ते थे जहाँ टेक्स्ट कंटिन्यूसली मूव होते रहता है, बट बुक्स में ऐसा कुछ भी नहीं था। टॉमी को ये बुक वेस्ट लगने लगती है। उसे कंप्यूटर ज़्यादा पसंद आता है क्योंकि उसमें बहुत सी अलग अलग टाइप की और हर बुक्स अवेलेबल रहते हैं। कंप्यूटर में एक बुक्स या स्टोरी पढ़ने के बाद उसे डंप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मार्गी टॉमी की बात को एग्री करती है। मार्गी टॉमी से 2 साल की छोटी है। वो टॉमी से पूछती है, तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? टॉमी बुक पढ़ने में बिजी था तो बोलता है, स्टोर रूम में पड़ी हुई थी। मार्गी उससे पूछती है, इस बुक में क्या चीज़ के बारे में दिया हुआ है? टॉमी बोलता है, स्कूल के बारे में। मार्गी को स्कूल पसंद नहीं थे, इसलिए वो बोलती है, स्कूल पे लिख के भी क्या फ़ायदा, आई हेट स्कूल्स। क्योंकि मार्गी का स्कूल उसका बेडरूम ही था जहाँ वो वर्चुअली क्लासेस लेती थी। मार्गी को पढ़ाने के लिए कोई टीचर नहीं है, वो मैकेनिकल टीचर यानी रोबोट से स्टडी करती है। मार्गी को मैकेनिकल टीचर पसंद नहीं आता क्योंकि वो मैकेनिकल टीचर उसे बहुत सारे टेस्ट देता है और वो टेस्ट बहुत डिफिकल्ट थे, जिसकी वजह से मार्गी का परफॉर्मेंस पे अफेक्ट पड़ गया। आगे की समरी बताने से पहले ये देख लीजिए। हेलो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं तो घबराइए मत, सबका सलूशन है डाउटनट। अगर आप किसी भी क्वेश्चन में अटक गए हैं या फिर वो आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सलूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या किसी और बोर्ड का हो, चाहे IIT, JEE, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। साथ ही डाउटनट ऐप पर पढ़िए कोटा की बेस्ट फैकल्टी से, जैसे GB सर, NJ सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप फैकल्टी से। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट ऐप से। 3 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे डाउटनट ऐप से पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए डाउटनट ऐप को इंस्टॉल करिए। मार्गी के मदर को लग रहा था कि उसमें कोई खराबी आ गई होगी, इसलिए वो चेक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए एक बड़े से बॉक्स में अपने टूल्स लेके आ जाते हैं। अब वो मैकेनिकल टीचर को चेक करने के लिए उसे खोलते हैं। मार्गी सोचती है, काश ये मशीन बने ही ना, खराब ही रह जाए, क्योंकि उसे मैकेनिकल टीचर से पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली वो काउंटी इंस्पेक्टर मशीन्स ठीक करने में एक्सपर्ट था, तो वो जल्दी से उसे ठीक कर देता है। और अब मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ाने के लिए रेडी था। उस टीचर में एक ब्लैक स्क्रीन है जहाँ ई बुक्स प्रेजेंट होती हैं, और एक स्लॉट है जहाँ मार्गी को उसके टेस्ट पेपर्स और होमवर्क सबमिट करना पड़ता है। मार्गी के सारे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स कंप्यूटर लैंग्वेज में होते हैं। इस लैंग्वेज को मार्गी ने 6 ईयर्स में सीख लिया था, और पेपर सबमिट करने के बाद मैकेनिकल टीचर सिर्फ कुछ सेकंड में रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देते हैं। अब जब काउंटी इंस्पेक्टर का काम पूरा हो गया तो वो मार्गी के मदर को बताता है कि इसमें मार्गी का कोई फॉल्ट नहीं है, गलती से मैकेनिकल टीचर का ज्योग्राफी लेवल हायर क्लास के लिए चला गया था, बट अब उसने वापस से उसे एट एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड पे सेव कर दिया है। वो इंस्पेक्टर मार्गी को चेयर अप करके वहाँ से चला जाता है, बट मार्गी को अब भी उसे नहीं पढ़ना था। मार्गी को अब याद आता है कि एक बार टॉमी के टीचर को ले जाया गया था क्योंकि उसमें हिस्ट्री सब्जेक्ट पूरा ब्लैंक हो गया था। मार्गी चाहती थी कि उसके टीचर को भी साथ ऐसा ही हो, पर वो अब टॉमी को बोलती है, भला क्यों कोई लिखेगा यार,
तो टॉमी बोलता है, इसलिए तो क्योंकि ये हमारे टाइम के स्कूल के जैसे नहीं है, ये 100 ईयर्स या सेंचुरीज के पहले के स्कूल थे। अब मार्गी बुक में पढ़कर बोलती है, आखिर उनको पढ़ाने वाला भी तो टीचर ही होगा हमारी तरह। तो टॉमी बोलता है, हाँ पर वो मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, वो ह्यूमन टीचर होते थे। मार्गी बोलती है, क्या एक मैन कोई मैन भला कैसे टीचर हो सकता है? उस वक्त के टीचर्स क्लास में बहुत सही बताते थे, बहुत सारी बातें डिस्कस करते थे, उन्हें क्वेश्चंस देना, उनसे क्वेश्चन पूछना, होमवर्क पूछना, ये सब। मार्गी बोलती है, ऐसा हो ही नहीं सकता, भला कोई इतना स्मार्ट कैसे होगा? टॉमी बोलता है कि मेरे फादर और मेरे मैकेनिकल टीचर दोनों के पास सेम अमाउंट ऑफ नॉलेज प्रेजेंट है। अब मार्गी बोलती है, मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे घर आके मुझे पढ़ाए। टॉमी बोलता है, नहीं रे बुद्धू, टीचर नहीं आते थे, बल्कि स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए एक अलग बिल्डिंग में जाना पड़ता था, जहां बहुत से स्टूडेंट्स आते थे और टीचर पढ़ाते थे। मार्गी बोलती है, मतलब सब लोग एक ही चीज़ सीखते होंगे? टॉमी बोलता है, हाँ एकदम सही समझे, क्योंकि सब लोग सेम एज के होते थे और सब एक क्लास में बैठते थे। मार्गी बोलती है, पर मैकेनिकल टीचर में तो लेवल सेट करना पड़ता है, फिर कैसे? टॉमी इरिटेट हो गया, तुम रहने दो, ये तुम्हारे इंटरेस्ट के लायक नहीं है। मार्गी बोलती है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। मार्गी स्कूल के बारे में जानना चाहती थी, पर उसकी मम्मी बोलती है, मार्गी और टॉमी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो रहा है। पर मार्गी कहती है, मम्मा थोड़ी देर बाद अटेंड कर लूँगी। अब मार्गी टॉमी से पूछती है, क्या हम स्कूल के बाद इस बुक को और पढ़ सकते हैं? मेरे मन में बहुत से सवाल हैं। टॉमी बोलता है, ठीक है पर शायद। फिर वो बुक लेके वहाँ से चला जाता है और मार्गी भी अपने क्लासरूम में जाती है, जहाँ मैकेनिकल टीचर उसका वेट करते रहता है। सैटरडे और संडे के दिन उनकी क्लासेस नहीं रहती। अब फिर से मैकेनिकल टीचर अपना क्लास स्टार्ट कर देता है और कहता है, आज हम प्रॉपर फ्रैक्शन करेंगे, बट पहले होमवर्क दिखाओ। मार्गी होमवर्क को स्लॉट में रख के पुराने स्कूल को इमेजिन करने लगती है, जब उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर स्कूल जाते थे। वो सोच रही थी कि कैसे बहुत से बच्चे आके घूम के मस्ती करके एक साथ लंच वगैरह करके वापस एक साथ घर जाते होंगे। इतने सारे लोग सब चीज़ एक साथ करते होंगे, एक दूसरे की हेल्प करते होंगे। अभी मार्गी का ध्यान उसकी वर्चुअल क्लासेस में नहीं था। वो सोचती है कि वो बच्चे कितने लकी होंगे, उनको कितना मज़ा आता होगा, वो लोग कितने खुश होंगे, और शायद ये भी पॉसिबल है कि एजुकेशन सिस्टम बाद में ऐसा ही हो। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनका आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इनको याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती के साथ पढ़ते रहिए।